नहीं, आप मुझे बाहर बता रहे थे हाँ? क्या आपने इनसे ट्राउजर मंगवाया था हाँ? इन्होंने क्या भेज दिया जरा वो भी बता दे हमारे ऑडियंस को। यार क्या ये क्या भेजा यार, ये क्या, इन्होंने ट्राउजर मंगाया था आपने चड्डी भेज दी। भाई साहब ये है तो ट्राउजर ही हाँ? बस साइज थोड़ा छोटा है। साइज थोड़ा छोटा है? नहीं, आप मुझे क्या चीटर समझ रहे हैं? फिर आप क्या है? मैं पैदागीर हूँ। सही बोल रहे, ये सही बोला, फ्रॉड ही है। अच्छा आप मुझे तीसरी बात बता रहे थे हाँ। क्या आपने अपने बड़े बच्चे के लिए जूते मंगवाए थे? इन्होंने क्या दिया? ये देखो ये जूते पहने, ये मेरा बच्चा पहनेगा 12-14 साल का लड़का, ये देख लो यार, ये क्या हरकत है? आगे आपने बच्चे नहीं करने क्या? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शहबाज सनम, सन ऑफ सिकंदर सनम, और आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सिकंदर सनम ऑफिशियल। और हमारे इस खूबसूरत से शो का नाम तो आप लोगों को पता ही है, हमारे इस खूबसूरत से शो का नाम है सन ऑफ सिकंदर सनम शो। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग वाला, और एक कस्टमर, उनकी नोकझोंक सुनेंगे, उनकी मजेदार बातें सुनेंगे। तो टाइम जाया किए बगैर बुलाते हैं, सबसे पहले तशरीफ लेकर आएंगे ऑनलाइन शॉपिंग वाले। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा तो आप हैं जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं? नहीं, मैं ऑनलाइन गधे बेचता हूँ। अरे भाई सामान ही बेचता हूँ तो गधा तो ना बोले ना मुझे। आपको शेर और गधे में कोई फर्क ही नहीं पता? आपको पता है शेर हमेशा चश्मा पहनता है। अच्छा बहरहाल आप ये बताएं सबसे पहले तो जी, क्या आपने ये जो ऑनलाइन जो सामान आपका है जी, जी। इस पे अभी तक आप कितनी इन्वेस्ट कर चुके हैं और कितना प्रॉफिट कमा चुके हैं? ये सवाल मत पूछे। क्यों? ये सवाल पूछ के आपने मेरा दिल चीर दिया। दिल चीर दिया? भाई हम दिल हमने चीरते, दिल कार्डियो वाले चीरते हैं, बाईपास के लिए। अरे खुदा कैसी बातें कर रहा। अरे मेरा मकसद है कि इस चक्कर में जब लॉकडाउन था ना हाँ? तो मैंने लाखों का सामान बेचा और लाखों का सामान खरीदा भी। अच्छा, लेकिन जब से लॉकडाउन खुला है हाँ? मुझे बहुत नुकसान हुआ है। फिर? अब मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि दोबारा लॉकडाउन लगाओ ताकि मेरा बचा हुआ माल भी बिक जाए। कैसे मशवरे करो दोबारा लॉकडाउन लगाओ? वैसे आप जैसे रिश्तेदार होते हैं मैयतों में, समझे, ऐसे रिश्तेदार मैयतों में नाराज हो जाते हैं। मेरे बेटे को बिरयानी में बोटी क्यों नहीं मिली? मेरे बेटे को बिरयानी में बोटी क्यों नहीं मिली? अरे भाई तुम्हारे जैसे भी लोग होते हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसे लोग भी होते हैं जलसे जुलूसों में है? लीडर तकरीर करने के बाद बोलता है, जब आप लोग मुझे वोट नहीं देते हो तो मेरे जलसों में क्यों आते हो? तो ऐसे लोग क्या बोल रहे होते, लड़कियों का डांस देखने। सही बात है ना, जलसों जुलूसों में डांस ही रह गया। खैर मैं बुलाता हूँ आपके ऑनलाइन कस्टमर का जिन्होंने आपसे ये जो सामान मंगवाया था और आपने भेजा गया। तो आप सबकी घर बैठी भरपूर तालियों में तशरीफ लेकर आएंगे ऑनलाइन कस्टमर, तशरीफ लेकर आते हैं। नहीं छोड़ूंगा इसको, तुम पकड़ तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, मुझे मिल जाए इतनी देर। अरे भाईजान, अरे सुने तो सरी, ना सलाम ना दुआ, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं हजारों। क्या? अरे आलम भाई। ओह नो। अरे सलाम तू। क्या बात है भाई? अरे क्या हुआ? अरे बैठे 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 आराम आराम से। क्या हुआ आप ये बताएं, आप इतना गुस्से में क्यों है, क्या हुआ? इसके मेरे साथ चीटिंग किया ना हाँ? अगर तुम होता ना, तुम इसको यहीं इसको बिठा देने पर भाड़ते इसको। सही बोले आपने, इनके साथ करी चीटिंग। आप आलम भाई मुझे बाहर बता रहे थे हाँ? कि आपने इनसे बनियान मंगवाया था, इन्होंने क्या भेज दिया जरा बताएं। क्या ये क्या भेज दिया? मैं पहनूं या मेरी वाइफ? ये क्या ये क्या? अरे भाई मैंने सोचा वैसे भी धुल धुल के तो फटना है ही हाँ? मैंने फटा हुआ ही भेज दिया, और वैसे भी मेरे पास उस वक्त अर्जेंट यही चीज अवेलेबल थी हाँ? तो वही मैंने इनको भेज दी। नहीं, आप मुझे क्या चीटर समझ रहे हैं? तो फिर आप क्या है? मैं पैदागीर हूँ। सही बोल रहे, ये सही बोला, फ्रॉड ही है। देखो नूर नहीं है, नूर ये देख लो, खाली चश्मा है, नूर नहीं है मुंह पे। नहीं आप मुझे बाहर बता रहे थे हाँ? आपने इनसे ट्राउजर मंगवाया था हाँ? इन्होंने क्या भेज दिया जरा वो भी बता दे हमारे ऑडियंस को। क्या बताऊं मैं, क्या हुआ क्या हुआ? मैं परेशान हूं इस आदमी से। ओह नो। नहीं आप बताएं मेरा, देखो यार क्या ये क्या भेजा यार, ये क्या, इन्होंने ट्राउजर मंगाया था आपने चड्डी भेज दी। भाई साहब ये है तो ट्राउजर ही हाँ? बस साइज थोड़ा छोटा है। साइज थोड़ा छोटा है? अच्छा आप मुझे तीसरी बात बता रहे थे हाँ? क्या आपने अपने बड़े बच्चे के लिए जूते मंगवाए थे, जो 10-12 साल का जो बच्चा है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या दिया? ये जूते पहने, ये मेरा बच्चा पहनेगा 12-14 साल का लड़का, ये देख लो यार, ये क्या हरकत है?
बड़े बच्चे के जूते मंगाए आपने, छोटे बच्चे के भेज दिए। तो भाई मेरे पास उस वक्त ये अर्जेंट अवेलेबल थे और ये तो बड़े नसीबदार हैं। क्यों? बड़ी इम्पोर्टेड जोड़ी है ये। अच्छा, तो मैंने इनको फौरन भेज दी। हाँ। और वैसे भी क्या आगे आपने बच्चे नहीं करने क्या? होल वाला हुआ था, भले बोल दिया बीच में कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि अभी भी चांस है लॉकडाउन का। oh, no. लाइन लगा दूंगा बच्चों की। मेरे चले खैर आलम भाई, जो गलतियां हो गई आप, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी गलतियों को सुधारें, अपनी आप प्रॉपर सामान भेजें। इन सब बातों को छोड़ो, तुम अपना नहीं बता रहे हो क्या? तुम्हें भी तो ये तुम्हारे पापा की तस्वीर वाली टी शर्ट मैंने ही गिफ्ट में दी है। तो आपने आप ही हमें अपना रिक्वेस्ट करें, एक तो फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजते थे, हमें ईमेल कर करके बोलते थे आपका बहुत बड़ा फैन, आपका पापा का फैन, आप हमारे घर घुस रहे थे। फैन नहीं था, फैन नहीं था, मेरी सुनो क्या, ये टीवी के आने की लालच में इसे तुम्हारे को दिया हुआ है। खैर यार सच्ची सच्ची बातें खुल गई हैं। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि शोर को भाई शोर को बोल रहा हूँ, शोर याद आई है। खैर आलम भाई नाराज होकर चले गए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये सामान वापसी करके उनको अपना जो उनका सामान था जो मंगाया था आप उन्हें वही वापसी देंगे। वो तो मैं दूंगा लेकिन इसका क्या करूंगा मैं, ये आप किसी भंगी को दे दें या खुद रख लें। आज का आपको हमारा शो कैसा लगा? आई होप कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा। तो मुलाकात करेंगे नए शो में नए टॉपिक के साथ और हमारे नए गेस्टों के साथ। तो हमें दीजिए इजाजत और हमें कमेंट्स का रहेगा आपके इंतजार। और वो व्यूवर जिन्होंने आज हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, काइंडली प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि हम लोग जो भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पे पेज है सनम्स ऑफिशियल, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें फेसबुक पे वो भी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करें। तो हम दोनों मिलकर नारा लगाएंगे, हमें दीजिए इजाजत, अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, पाकिस्तान जिंदाबाद।